अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी रियासत में सियासी सरगर्मियां जारी है। स्टार कैंपेनर्स को लाने की गोया होड़ लगी हुई है। किसी हाल में जीत दर्ज हो या फिर पहले के मुकाबले में वोट का शेयर भी ज्यादा हो, बढ़ जाए, इसका ख्याल सभी पार्टियां रख रही है। बेलगाम जिले में कांग्रेस, भाजपा, जेडीएस तो मैदान में है ही। बेलगाम शहर में एमईएस भी अपनी कुव्वत आजमाते हुए देखा जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, एमईएस की रैलियां जारी हैं। इस बार एमआईएम मैदान से बाहर हो चुकी है। इसकी क्या वजह है, क्यों सियासी मैदान से बाहर निकल गई, ये भी समझ से बाहर है। जहां एमआईएम यूपी में 100 जगहों पर अपने नुमाइंदे खड़ा कर सकती है, बिहार गुजरात तक एमएलए से लेकर कारपोरेटर तक उम्मीदवारी दे सकती है, लेकिन कर्नाटक में क्या वजह है, ये बात भी समझ से बाहर है। जबकि बेलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया गया था कि लतीफ खान पठान बतौर उम्मीदवार रहेंगे बेलगाम नॉर्थ के लिए। ये अलग बहस है कि अगर एमआईएम का कोई उम्मीदवार होता तो क्या होता, किसे फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, कितने वोट लिए जाते वगैरह। खैर, अब जब मुकाबले में जो खिलाड़ी नहीं है उस पर बहस भी करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा बेलगाम शहर में एमईएस भी जोर लगाते हुए देखा जा रहा है और कुछ हद तक असर भी नजर आ रहा है। कैसे सियासी समीकरण अलग अलग होते हैं, इसे समझने की जरूरत है। बेलगाम साउथ के लिए कांग्रेस उम्मीदवार कमजोर नजर आ रहा है। समिति से रमाकांत कुंडुस्कर, जो कभी हिंदुत्व का चेहरा हुआ करता था, आज एमईएस का उम्मीदवार बना हुआ है। साउथ में तकरीबन 22,000 मुस्लिम वोटर्स है, जिसमें 12,000 के करीब वोटिंग होती है। जिस तरह नॉर्थ में मुसलमानों का दबदबा है, साउथ में मुसलमान बिखरे हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर मुसलमानों के तकरीबन मोहल्ले एक साथ लगे हुए सटे हुए नजर आते हैं, तो साउथ में मुसलमान बिखरे हुए देखे जाते हैं। वड़गांव, खासबाग, अनुगुल, शाहपुर में कुछ जगहों पर मुसलमान रिहाइश पजीर हैं। उमूमन मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को ही वोट करते हैं और यह सच भी है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुसलमानों की सोच में थोड़ी तब्दीली नजर आ रही है। अगर खासकर साउथ की बात की जाए, क्योंकि साउथ में मुसलमान कम होने की बिना पर उनकी अहमियत तो है, लेकिन किसी नतीजे को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन बार बार कांग्रेस की जानिब से कमजोर उम्मीदवार क्यों दिया जा रहा है, एक सवाल है। पिछली मर्तबा भी लक्ष्मी नारायण को कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारी दी गई थी। जाहिर है मुसलमानों ने हमेशा की तरह कांग्रेस को ही वोट किया। बाज वक्त ताज्जुब भी होता है कि कांग्रेस आला कमान फैसले भी किस बुनियाद पर लेती है, क्योंकि बेलगाम साउथ में कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर्स को भी अब सोचने पर मजबूर करने के हालात खड़े किए गए, क्योंकि भाजपा को मुसलमान वोट कर नहीं सकते और समिति से रमाकांत कुंडुस्कर को उम्मीदवारी दी गई है और कुंडुस्कर कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। ये अलग बात है कि कितना वो तब्दील हो चुका है, कितना सेक्युलर बन चुका है। कुंडुस्कर जीते या अभय पाटिल जीते, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। एक इत्तला के मुताबिक कुछ मुस्लिम नुमाइंदे कुंडुस्कर को मिलना चाहते हैं, लेकिन कुंडुस्कर मिलने से गुरेज इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंदुत्व की इमेज से जो वोट हासिल होने वाले हैं, कहीं इन मुसलमानों की वजह से इमेज को नुकसान ना हो जाए। भाजपा का उम्मीदवार अभय पाटिल भी मुस्लिम विरोधी एजेंडे के लिए काफी मशहूर है, तो इससे तो तवक्को करना ही बेकार है, ऐसा कहा जाता है। इन तमाम मामलों में देखा जाए तो मुस्लिम वोटरों के साथ कांग्रेस का वजूद ही बेलगाम साउथ में खतरे में नजर आ रहा है। एक दौर था जब संभाजी पाटिल जैसे एमएलए हुआ करते थे, जो समिति से थे, जो कभी धर्म जात पात की सियासत नहीं किया करते थे, लेकिन मौजूदा दौर की सियासत में कौन कब गांधीवादी और कब गोडसेवादी होता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। समिति की जानिब से शिवसेना के बड़े लीडर संजय राउत को तक बेलगाम में कैनवासिंग के लिए बुलाया जा रहा है। कांग्रेस भी अजहरुद्दीन कन्हैया कुमार को बुलाने का अंदेशा जाहिर कर रही है। बेलगाम नॉर्थ से सेठ, खानापुर से निंबाड़कर, ग्रामीण से लक्ष्मी निंबाड़कर, यमकर मंडी से सतीश जारकीवाली जीत दर्ज करने का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन बेलगाम साउथ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें खासकर मुस्लिम समाज के सामने एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा है। क्या हिंदुत्व का चेहरा बने कुंडुस्कर, जो अभी से मिलने से कतरा रहा है, तो जीतने के बाद क्या कर सकता है? ये भी उतना ही सच है कि अभय पाटिल या कुंडुस्कर दोनों भी फिरका प्रस्ताना जहनियत ही से मुतासिर है। अब तो कुछ सियासी लीडर अपने जाती सियासी मुस्तकबिल के लिए पार्टी के नुकसान को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा भी अवाम में चर्चा जारी है। पूरी रियासत में कांग्रेस की लहर नजर आ रही है। ये अलग बात है कि कितना कामयाब हो पाती है। कांग्रेस अगर अच्छी कोशिश करती तो शायद साउथ से भी बेहतर नतीज बरामद हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। जो भी हो, इतना जरूर है कि मुसलमानों का मुहाफिज तो अल्लाह है। दूसरा पहलू ये भी है कि उस कौम को आज लोग मिलना भी नहीं चाहते, ताकि इनकी सियासत पर असर पड़ सकता है, जो कभी सियासी तस्वीर अपने वोटों के जरिए बदल दिया करते थे। कांग्रेस का वजूद खतरे में जरूर आ चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने मुफाद के मद्देनजर पार्टी के वजूद को ही दांव पर लगाए, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।